हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग तीन सेट खत्म कर चुके हैं दृष्टि वाले जो MPPSC के उसने निकाले हुए हैं। इसमें बात करेंगे हम फोर्थ नंबर का जो सेट है, ठीक है, मॉडल पेपर फोर देखेंगे। आपको बता दें मध्य प्रदेश करंट अफेयर 2019 वाली सूची में ये तीनों लेक्चर डले हुए हैं, ये भी उसी में डाल देंगे, ये सभी उसी में मिल जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। एक और हमारा बचे रह गया तो वो हम इसके बाद खत्म करेंगे, ठीक है। इसमें चौथा देखते हैं फोर्थ नंबर का, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबको पता है आपको 2 घंटे का होता है, अधिकतम 200 200 नंबर का होता है फर्स्ट पेपर, और 2 घंटे का रहता है। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो आपको बता देना है जैन धर्म से है, बौद्ध से और हिंदू, तीनों धर्म से संबंधित हैं, उपयुक्त सभी है, डी ऑप्शन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, गुप कराल नामक नवपाषाण स्थल किस प्रदेश में? गुप कराल नामक नवपाषाण स्थल किस प्रदेश में? तो आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर में है, ये ऑप्शन है। फिर तीसरा, कांचीपुरम का वेंकट पेरुवल मंदिर किसने बनवाया था? तो याद रखना है आपको नंदीवर्मन सेकंड ने, सी ऑप्शन है। चौथा, अकबर के दरबार में हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने किसका संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था? तो आपको याद रखना है अथर्ववेद का, डी ऑप्शन सही है। पांचवा, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना किस दिन घटी? तो याद रखना है आपको इसमें है अपना 13 अप्रैल 1919, बी ऑप्शन है। छठवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई है? तो याद रखिए हिंद स्वराज, बी ऑप्शन सही है। छह का, सातवा, किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो याद रखिए चार्टर अधिनियम 1813, बी ऑप्शन है। याद रखिए इसमें वैसे पता है 1813 का जो एक्ट था, चार्टर अधिनियम, इसमें चाय और चीन को छोड़कर एकाधिकार खत्म किया था, तो आयोग जो मानता है वही लगा रहे, लेकिन पूर्ण तरह से हुआ था 1833 में, ठीक है। अगर पूर्ण तरह से पूछे, पूर्णता सब जगह से चाय और चीन का भी पूछ ले, तो 1833 लगाना है। आठवां क्वेश्चन नंबर, किप्स मिशन का वास्तविक उद्देश्य क्या था? किप्स मिशन का वास्तविक उद्देश्य क्या था? भारतीय नेताओं को विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के लिए राजी करना, ठीक है, बी ऑप्शन है 8 का। नौवां, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते हुए होगी इसके शांतिपूर्ण निर्धन के लिए इसका सहायक बनो, किसने कहा? तो याद रखिए लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा था? मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपनी विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते हुए होगी कि इसके शांतिपूर्ण निर्धन के लिए इसका साथ दूं, सी ऑप्शन है इसमें लॉर्ड कर्जन, ठीक है। दसवां क्वेश्चन नंबर, करजन वाली की हत्या किसने की थी? मदनलाल ढींगरा ने, याद रखिए ए ऑप्शन सही है। करजन वाली की हत्या मदनलाल ढींगरा ने की थी। सीमांग जनजाति कहाँ पाई जाती है? 11वां क्वेश्चन है, सीमांग जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो याद रखिए मलेशिया में, ए ऑप्शन है मलेशिया। 12, प्लैंकटन का सर्वाधिक विकास कहाँ होता है? प्लैंकटन का सर्वाधिक विकास कहाँ होता है? तो याद रखिए ठंडी व गर्म जलधारों के मिलन स्थल पर, ये ऑप्शन है। बरमूडा त्रिकोण अवस्थित है, तो याद रखिए उत्तरी अटलांटिक महासागर में, बरमूडा त्रिकोण अवस्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। 14 क्वेश्चन, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो आपको याद रखना है और अफ्रीका, ठीक है, बरमूडा त्रिकोण उत्तरी अटलांटिक महासागर में, याद रखिए, ठीक है। फिर 15वां, जोंगसोंग चोटी किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए सिक्किम में। इलायची पहाड़ियां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करना है, उपयुक्त कथन में से चुनना है, ये पश्चिमी घाट में स्थित है, सही है। ये केरल और तमिलनाडु के बीच सीमा का निर्माण करती है, सही है। ये विश्व धरोहर सूची में शामिल है, ये गलत है, तो इसमें बी ऑप्शन होगा।
सोलह का भी है, सोलह का भी है, ठीक है। 17, चंबल नदी निम्न में से किस राज्य में नहीं बहती है? तो आपको याद रखना है, चंबल नदी निम्न में से किस राज्य में नहीं बहती है पूछ रहा है, तो याद रखिए गुजरात में नहीं बहती है, डी ऑप्शन है, ठीक है। राजस्थान में बहती है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, ठीक। 17 का डी है। 18, सिल्वी कल्चर का संबंध है, सिल्वी कल्चर का संबंध है तो आपको पता होगा वन विकास से, सिल्वी कल्चर वन विकास से संबंधित है, 18 का सी। 19, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है तो याद रखिए 19 का सी राजस्थान में है। मथा भंगा नदी किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? मथा भंगा नदी किन दो देशों की सीमा बनाती है के बीच, तो याद रखिए भारत और बांग्लादेश, बी ऑप्शन है, भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा मथा भंगा नदी बनाती है। किस साल ये रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ? तो आप सभी को पता होगा 1973 में, सॉरी 1773 में, ई ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, ठीक है, 1773। डायनेमो एक यंत्र है, डायनेमो एक यंत्र है तो याद रखिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। 23, फोटोग्राफी के फिल्म बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? फोटोग्राफी के फिल्म बनाने के लिए उपयोग किया जाता है तो आपको पता होगा सिल्वर ब्रोमाइड। यूरिया क्या है? यूरिया क्या है तो याद रखिए नाइट्रोजनी उर्वरक, सी ऑप्शन है। क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी किसकी इकाई है तो याद रखिए रेडियो एक्टिविटी की, ए ऑप्शन है। चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा किस उपग्रह प्रक्षेपण यान का उपयोग किया गया है? तो याद रखिए आपको GSLV MK3 M1, ठीक है, याद रखिए GSLV MK3 M1, ए ऑप्शन सही है। 27, ग्रेटा थनबर्ग है कहाँ से, किससे संबंधित है? याद रखिए पर्यावरण कार्यकर्ता है। 28 दिसंबर 2019 में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने लोकमत संसदीय पुरस्कार के तहत उत्कृष्ट सांसदों को पुरस्कृत किया है, इसमें किस राज्यसभा की सांसद के राज्यसभा के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? ए ऑप्शन सही है, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ए ऑप्शन है 28 का। 29, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक निरोध दिवस मनाया जाता है तो याद रखिए 9 दिसंबर, ठीक है, 9 दिसंबर। 30, अर्थशास्त्र में 1998 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो याद रखना है अमृत सेन। ब्लैक पर्ल किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से, सी ऑप्शन। भारतीय विकास फोरम पहले जाना जाता था? भारतीय भारत सहायता क्लब के नाम से, ए ऑप्शन। कॉप पोसा की स्थापना किस उद्देश्य से की गई? से भी याद रखिए 33 का भी है, तस्करी को रोकने और विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए, बी ऑप्शन सही है 33 का। 34, ग्रोथ एंड फाइनेंस नामक पुस्तक किसके सम्मान में लिखी गई? श्री रंगराजन के, सी ऑप्शन है 34, ठीक है। 35, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है पूछ रहा है तो याद रखिए इसमें नीति आयोग होगा, 35 सी, ठीक है, चुनाव आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है, वित्त आयोग है, ठीक है। 36, पोस्टल बैलेट से मत कौन डालता है? तो याद रखिए उपयुक्त सभी, विदेशों में तैनात विदेशी सेवाओं के सदस्य, सशक्त बलों के सदस्य, चुनाव कार्यों पर कार्यरत कर्मचारी। 37, 36 का क्या है? डी है 37। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन किस में से दिया जाता है? उच्च न्यायालय के, तो याद रखिए 37 का बी होगा, राज्य की संचित निधि से 37 बी। 38, भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहली बार किस राज्य में उपयोग की गई थी? तो याद रखिए केरल में, बी ऑप्शन सही है। वर्ष 2019 में महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो याद रखिए 39 का बी होगा, 150 की, ठीक। 40, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के हस्ताक्षर को मनाने के लिए निम्न दिए में से कौन सा दिन मनाया जाता है?
याद रखिए 40 विश्व ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल विश्व ओजोन दिवस से संबंधित है, याद रखना ये भी। मेदिनी पुरस्कार कौन सा मंत्रालय देता है, मेदिनी पुरस्कार कौन सा मंत्रालय देता है, ठीक है, मेदिनी पुरस्कार कौन सा मंत्रालय देता है, तो आपको याद रखना पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय, परिवर्तन मंत्रालय, ए ऑप्शन सही। 42 नाउ और नेवर पैम्फलेट किसने लिखा, तो याद रखिए ये लिखा है रहमत अली ने, नाउ और नेवर पैम्फलेट ये लिखा है रहमत अली ने, सी ऑप्शन सही है। 42 का सी है। आईजी टारगेट किससे संबंधित है, आईजी टारगेट किससे संबंधित है, तो याद रखिए नगोया प्रोटोकॉल से संबंधित, बी ऑप्शन है। पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है, साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको बता देना है रसेल कर्सन, बी ऑप्शन सही है। चेंचू जनजाति किस क्षेत्र में वन्य जीव सुरक्षा से संबंधित है, तो याद रखिए यह है नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश। 46 अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है, तो याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, डी ऑप्शन 18 दिसंबर को। मध्य प्रदेश में 1857 की स्वतंत्रता संग्राम कहां शुरू हुआ था, तो आपको बता देना है 47 का बी नीमच। 48 तत्या टोपे को कहां फांसी दी गई थी, तत्या टोपे को कहां फांसी दी गई थी, सी शिवपुरी। मध्य प्रदेश में आयुध निर्माण फैक्ट्री कहां स्थित है, याद रखिए जबलपुर में। सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है, सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है, पचमढ़ी को, बी ऑप्शन है। 51 मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गुजरात तथा महाराष्ट्र दोनों को स्पर्श करता है, तो याद रखिए अलीराज। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सबको पता होगा सिद्ध बाबा। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु वारासिंगा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, तो याद रखिए काना किस लिए राष्ट्रीय उद्यान, 53 का ए है, ठीक। 54 मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है, NH3, बी ऑप्शन सही है, 54 का बी है। 55 मध्य प्रदेश की न्यूनतम सीमा किस राज्य के साथ लगती है, तो आप सभी को पता होगा गुजरात, 55 ए, और सबसे अधिक किसे लगती है, उत्तर प्रदेश से, याद रखिए। निम्नलिखित में से किस मध्य प्रदेश का कौन सा जिला कर्क रेखा पर अवस्थित नहीं है, पूछ रहा है, नहीं है पूछ रहा है, 56 का, तो याद रखिए इसमें रीवा नहीं है, ठीक है, उज्जैन है, भोपाल है, सागर, 14 जिलों से गुजरती है कर्क रेखा मध्य प्रदेश से, ठीक है, और भारत में 8 राज्यों से, याद रखना। 57 क्वेश्चन, छतरपुर आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई, छतरपुर आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई, 7 अगस्त 1976 को छतरपुर आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई थी, ठीक है, 57 का डी। 58 मध्य प्रदेश के किस जिले में आप सतखंडा महल पाएंगे, मध्य प्रदेश के किस जिले में आप सतखंडा महल पाएंगे, दतिया, बी ऑप्शन सही है। 59 इंदौर के बहरुद्दीन जमालुद्दीन काजी बॉलीवुड के प्रसिद्ध हास्य अभिनेता बने, चलचित्र उन्होंने उद्योग उन्हें के नाम पर से जाना जाता है, क्या है, डी जॉनी बॉकर, जॉनी बॉकर के नाम से जाना जाता है। कानन घाटी क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है, तो याद है आपको ये कोयला। इंदिरा प्रियदर्शनी उद्यान कहाँ स्थित है, तो याद रखिए पेंच में। संयुक्त राष्ट्र का वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2019 के अनुसार कौन सा देश प्रसन्नता के उच्चतम स्तर पर है, तो याद रखिए इसमें फिनलैंड, ठीक है, फिनलैंड 62 का है बी, 62 का बी। यूनेस्को ने भारत के कुंभ मेले की को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कब घोषित किया, तो याद रखना 2017 में, दिसंबर 2017 में, बी ऑप्शन है 63 का। 64
एक परिवार एक नौकरी नामक योजना किस राज्य ने लागू की? एक परिवार एक नौकरी नामक योजना सिक्किम ने लागू की। नीति आयोग ने राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019 जारी किया है, इसमें सबसे निचले पायदान पर किसे रखा है? तो याद रखिए उत्तर प्रदेश को, बी ऑप्शन। क्रिकेट विश्व कप 2019 के संदर्भ में कौन से कथन सही है? ठीक है 66, तो ये पहला सेमीफाइनल भारत एवं न्यूजीलैंड के बीच खेला गया, सही है। क्रिकेट विश्व कप 2019 का प्लेयर प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट कैन विलियम्स विलियमसन को दिया गया। क्रिकेट विश्व कप 2019 में भारत ने अफगानिस्तान को 11 रन से हराया, तो डी ऑप्शन है इसमें, 66 का डी है, याद रखिए। 67, गोवा के किस वाद्य यंत्र को धरोहर वाद्य यंत्र घोषित किया गया? गोवा के किस वाद्य यंत्र को धरोहर वाद्य यंत्र घोषित किया गया? तो 67 का अपना है ए, घुमोट, 67 का ए। 68, अंतर्राष्ट्रीय महिला उद्यमी सम्मेलन 2019 आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला उद्यमी सम्मेलन 2019 आयोजित किया गया, तो याद रखिए काठमांडू में, ये ऑप्शन सही है। चंद्रयान टू के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। चंद्रयान टू को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया, सही है। यह है 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया, सही है। इसमें लैंडर को विक्रम नाम दिया गया, ये भी सही है। इसमें रोवर को ज्ञान प्रज्ञा प्रभा नाम दिया गया, ये गलत है, ठीक। डी ऑप्शन गलत है, 69 का डी है, ठीक। 70, कबड्डी, कबड्डी को दक्षिण भारत में क्या कहते हैं? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 70 का डी है, 70 का सॉरी 70 का है हमारा, कबड्डी को दक्षिण भारत में क्या कहते हैं? चेडू गुडू, 70 का ए, चेडू गुडू, ठीक। 71, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? नहीं है, युग्म सम्मिलित नहीं, सनी, सही है। बृहस्पति, सही है। पृथ्वी, सही है। बुध, गलत है, ठीक। शनि के 82 उपग्रह हो गए, बृहस्पति के 79, पृथ्वी का एक, ठीक। 72, लिब्रो शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है? लिब्रो शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है? वॉलीबॉल में, याद रखिए वॉलीबॉल में, बी ऑप्शन सही है। सीपीयू को क्या कहते हैं? सीपीयू को क्या कहते हैं? तो याद रखिए कंप्यूटर का मस्तिष्क। आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, तो याद रखिए 74 का ए है, प्रिंटर, कीबोर्ड, स्कैनर, माउस इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस प्रिंटर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है? तो त्रिशूल सतह से सतह, ये गलत है। पृथ्वी सतह से वायु, ये भी गलत। नाम सही है, पिते टैंक पिछे बात है, ठीक है। 75 का सी है, सुपरसोनिक क्यूज मिसाइल ब्रह्मोस निम्न में से किसका एक संयुक्त तो उपक्रम है? तो याद रखिए कि भारत था रूस का। सुपरसोनिक क्यूज मिसाइल ब्रह्मोस निम्न में से किसका एक संयुक्त तो उपक्रम है? 76 का ए है, भारत रूस। 77, द्वि आधारी पद्धति में 1 किलो बाइट केवी के बराबर होता है, तो याद रखिए 77 ए, 1024 बाइट, ठीक है। अद्वैत दर्शन के संस्थापक है, अद्वैत दर्शन के संस्थापक है, तो याद रखिए शंकराचार्य, अद्वैत दर्शन के संस्थापक शंकराचार्य। हदीस एक है, हदीस एक है, तो इस्लाम, याद रखिए इस्लामिक कानून, ये ऑप्शन सही है। अब 80 क्वेश्चन नंबर, सूची एक सूची दो को सम्मिलित करना है, सूची एक में मरुस्थल है, उनकी अवस्थिति है, ठीक। तो इसमें 80 अपना होगा बी ऑप्शन, क्या होगा? बी ऑप्शन होगा 80 का, क्या? ग्रैंड ग्रेट सैंडी, ये ऑस्ट्रेलिया में, दस्त ए लूट, ये पूर्वी ईरान, तकला मकान, तो ये चीन में, पेंटागोनिया अर्जेंटीना। एक बार फिर से बात कर लेते हैं, ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट सैंडी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। दस्त ए लूट पूर्वी ईरान, तकला मकान चीन, पेंटागोनिया अर्जेंटीना, ठीक। 81, निम्नलिखित युगों में कौन सही सम्मिलित नहीं है, पूछ रहा है, नहीं है, ठीक है। तो याद रखिए इसमें भाखड़ा नागल परियोजना रावी नदी पर नहीं है,
दुलहस्ती परियोजना चेनाब पे सही है, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, वारसागर परियोजना सोन नदी पर है, या डी ऑप्शन है 81। 82, निम्न में बिंदुओं पर विचार कीजिए, जन्म मृत्यु प्रवासन उपयुक्त में से कौन बिंदु संख्या परिवर्तन के घटक है, संख्या परिवर्तन के घटक है, तो 82 का डी होगा उपयुक्त सभी, जन्म मृत्यु प्रवासन क्या होगा 82 का डी। 83, केंद्र में द्वैत शासन का सिद्धांत किस अधिनियम के द्वारा आया, केंद्र में द्वैत शासन का अधिनियम का सिद्धांत किस अधिनियम के द्वारा आया, तो याद रखिए भारतीय संविधान, सॉरी भारतीय शासन अधिनियम 1945 द्वारा आया। ठीक, 83 का है डी। 84, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का आदर्श लिया गया है, ये ऑप्शन पूर्व सोवियत संघ से आवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाने वाला रिट निम्नलिखित में से कौन सा है, तो याद रखिए 85 में ए होगा अधिकार अपेक्षा। 86, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना संबंधित है, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना संबंधित है, याद रखिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों द्वारा परिवहन सेवा उपलब्ध कराना। 87, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में सशक्त बल की परिभाषा निम्न में से परिभाषा में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है, तो याद रखिए बी ऑप्शन होगा राज्य के सशक्त बल शामिल नहीं है। ठीक है, 87 का है बी। 88, 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई, इस घोषणा में कुल कितने अनुच्छेद हैं, 30, बी ऑप्शन सही है। 88 का बी। 89, विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 10 दिसंबर, 10 दिसंबर सी ऑप्शन सही है, 89 का सी। 90, राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को कौन हटाता है, राष्ट्रपति, 90 का है ए। राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों को किस धारा के अंतर्गत हटाया जाता है, तो याद रखिए धारा 6, 91 का है, सॉरी 91 का है अपना होगा धारा 5। धारा 4 में नियुक्ति, धारा 5 में हटाने का प्रावधान है, धारा 6 में उनका कार्यकाल। ठीक, याद रखिए 91 का है बी। 92, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम निवारण अधिनियम 1989 में अधीन के अधीन अपराध के लिए अभियोजक में अभियुक्त अपने बचाव में अभिभावक नहीं ले सकता है कि सी ऑप्शन है, कार से इतनी थोड़ी हानि हुई है जो शिकायत का विषय नहीं हो सकती है। ठीक है, 93, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अधीन अपराध का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्देश करने का प्रयोजन है, शीघ्र विचारण, ये ऑप्शन सही है। 94, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो जो रैंक से कम ना हो, किससे, उप अधीक्षक, उप अधीक्षक, याद रखना उप अधीक्षक। 94 का सी है, 94 का सी है उप अधीक्षक। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के दिन विशेष न्यायालय में निम्न में से कौन सी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है, तो याद रखना 95 का डी, सामूहिक जुर्माना आरोपित करना राज्य सरकार करेगी। ठीक, व्यक्ति को हटाना भी कर सकता है, संपत्ति का संहरण कर सकता है, व्यक्ति का माप ले सकता है। ठीक, 96, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराध अभियोजन में न्यायालय निम्न में से क्या उपधारित कर सकता है, तो याद रखिए 96 का है डी, उपयुक्त सभी, दुष्प्रेरण, सामान्य आशय, सामान्य उद्देश्य। 97, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचार किस न्यायालय द्वारा किया जाता है, तो याद रखिए 97 का बी होगा, प्रथम श्रेणी
न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठीक है। 97 का है बी। 98 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की दशा में कौन उत्तरदायी होगा? तो याद रखिए उपयुक्त सभी होंगे। 98 का डी होगा, निर्देशक भी होगा, सचिव होगा, प्रबंधक। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम में दी गई स्थान की परिभाषा में क्या क्या शामिल है? 99 का पूछ रहा हूँ। सिविल अधिकार अधिनियम में दी गई स्थान की परिभाषा में क्या क्या शामिल होगा? तो याद रखिए 99 का डी होगा। गृह होगा, भवन होगा, तंबू, यान और जलयान। इनपुट डिवाइस है, 100 क्वेश्चन नंबर का इनपुट डिवाइस है, तो याद रखिए इनपुट डिवाइस स्कैनर है। प्रिंटर और मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, सी ऑप्शन है इसके अंदर। चलिए तो ये था हमारा चौथा सेट। अब पांचवा जो सेट है वो अगले लेक्चर में हम लोग खत्म कर लेंगे, ठीक है।